यहाँ पर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जानेंगे जो कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी 400+ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि इस कंपनी में अब आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपने इस कंपनी में 350 के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली अभी आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इस कंपनी में 400 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। अगर हम इस कंपनी का चार्ट देखें तो मई 2022 तक इसका जो सपोर्ट लेवल था वो 400 का था, मतलब कि यह जो शेयर है वो 400 के ऊपर ही ट्रेड करता था। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई और यहाँ पर यह 300 के नीचे भी अब यह ट्रेड कर रहा है। और जब से इसका Q2 का रिजल्ट आया है जो कि 8 नवंबर को आया था, उसके बाद इस कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो फिलहाल में जैसा कि इसका रिजल्ट आया है उसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल अब बहुत ज़्यादा वीक नज़र आने लगा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से देख रहे हैं तो आई थिंक यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस कंपनी के अगले क्वार्टर भी ख़राब आते हैं, क्योंकि हम लास्ट क्वार्टर 2 क्वार्टर से देख रहे हैं इस कंपनी के 2 क्वार्टर बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुके हैं। अगर हम इसका सितंबर 2022 में जो क्वार्टर था उसका सेल्स देखें तो 652 करोड़ बचा हुआ है, और जबकि जून 2022 में 756 करोड़ था और उससे पहले 880 करोड़ के लगभग था। तो यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर जो इसका रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, मतलब कि सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में यहाँ पर कुछ नतीजे में सुधार हो। लेकिन अगर आपके पास कोई अदर कंपनी है, जैसे कि आप अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इससे ज़रूर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो डाउन ही रहा तो इस कंपनी का जो शेयर है वो 250 के आसपास देखने को आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट में गिरावट होती, जैसे कि सेंसेक्स अभी 61,000 के आसपास चल रहा है, और अगर किसी कारणों से सेंसेक्स में गिरावट होती है, जैसे कि यहाँ पर 57 या फिर 58 के करीब भी आता है, तो डेफिनेटली इस कंपनी का जो प्राइस है वो 250 के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्योंकि गिरावट के समय सभी कंपनियों के जो प्राइस है वो नीचे हो जाती है, तो इस कंपनी की भी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और यह शेयर में आपको बहुत ज़्यादा जो डाउन डाउन मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ भी दिखेगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ या फिर अदर कंपनी हुई, HDFC है, ICICI है या फिर एशियन पेंट्स है, किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको श्योरली रिटर्न ही मिलेगा। क्योंकि अगर हम उनका चार्ट देखें तो यह सब ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं यहाँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर हमें डाउन ग्रोथ देखने को मिल रही है लास्ट 1 ईयर से, और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो भी ख़राब ही आ रहे हैं। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, यहाँ पर 13% से सीधे 4% पर यह जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ चुका है। वहीं नेट प्रॉफिट में तो यहाँ पर माइनस में अगर हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिर्फ 8 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको नेगेटिव ही ले सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव इसका जो रिजल्ट है वो आया है, क्योंकि 64 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पर इसकी जो प्रॉफिट है वो आया है। और इसका इसका जो मेन कारण है वो है इसका OPM का कम होना, क्योंकि अगर OPM थोड़ा ज़्यादा होता तब भी यहाँ पर इसका जो प्राइस है, मतलब कि जो नॉट नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता। तो यहाँ पर OPM भी इसका बहुत कम हो चुका, तो डेफिनेटली इस कंपनी से आपको एग्जिट करना चाहिए अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और किसी अच्छी बेहतर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो चलिए हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में जान लेने के बाद हम टाटा पावर कंपनी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं।
तो भले ही आज के दिन हमें टाटा पावर कंपनी में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर यह शेयर फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इसका कारण है इसका फ्यूचर प्लान और इन्वेस्टमेंट से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपये का इसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3% की रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन फ्यूचर अच्छे खासे रिटर्न ले पाएंगे। वहीं 1 ईयर में भी यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि 250 के नीचे यहाँ पर और 200 के ऊपर इस यह कंपनी मोस्टली ट्रेड हुई है। एक बार इसने 280 का जो 290 करीब जो लेवल था वो दिखाया था, उसके बाद से यहाँ पर 200 से 250 के बीच में यह कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें तो यहाँ पर जो कंपनी यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती थी, वो उसने सीधा डबल करके प्रॉफिट दिया है। तो इसी प्रकार से जो इसकी थर्ड स्टेज आएगी, इसमें भी हमको जो इसका लेवल होगा वो 400 के आसपास सपोर्ट लेवल बनाएगा। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है जिसमें आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। इसका कारण है इसका मार्केट कैप और इसकी जो लास्ट रिटर्न है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि 1 ईयर में इसने सिर्फ 0.67% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पर मैटर यह है कि आपने किस लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि यह कंपनी 200 के आसपास भी आई थी। अगर आपने 200 के आसपास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होता, मतलब कि शॉर्ट टर्म में। यह एक शॉर्ट टर्म कंपनी भी है, जैसे कि 200 के आसपास यह कंपनी आती है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका सपोर्ट लेवल है वो हम बोल सकते हैं कि 200 का इसका सपोर्ट लेवल है। और जब भी 200 या फिर 210 के बीच में आपको इसमें पोजिशन बनाने की जब मौका मिलता है तो इस स्टेज पर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 230 के आसपास इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है टाटा पावर कंपनी के बारे में और टाटा जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी है उसके बारे में। तो इसके बाद हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है, 1:5 का यहाँ पर स्प्लिट दे रही है। तो चलिए हम उस कंपनी के नाम भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है मफतलाल इंडस्ट्रीज। यह 2:10 का जो स्प्लिट है वो प्रोवाइड करा रही है। अगर आपके इस पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो स्प्लिट के बाद 10 हो जाएंगे, मतलब कि 1:5 का यहाँ पर स्प्लिट हम बोल सकते हैं। अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो यहाँ पर 50 हो जाएंगे आफ्टर स्प्लिट। तो इसका जो अनाउंसमेंट डेट है वो 17/9/2022 था। तो यहाँ से आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मफतलाल इंडस्ट्री है उसके बारे में आप एनालिसिस ज़रूर कर लें कि यह कंपनी कैसी है, क्या काम करती है और इसका फ्यूचर कैसा है। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि सिर्फ 487 करोड़ रुपए की है। वहीं इस शेयर की करेंट प्राइस 345 चल रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपको लॉस भी करा सकती है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप इस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी ले लें, उसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। और साथ ही इस कंपनी का सेल्स देखें तो वो भी यहाँ पर माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर इस कंपनी की बहुत कम है। तो यहाँ पर हो सकता है कि यह फ्यूचर आपको सॉरी यह कंपनी आपको इन फ्यूचर माइनस में रिटर्न दे सकती है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इस कंपनी के बारे में एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि यह एक लॉस मेकिंग कंपनी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इस कंपनी के स्प्लिट के बारे में जानकारी दी है, आप इसके बारे में एनालिसिस करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।